जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में विटामिन ए विटामिन डी कंप्लीट किया, जो कि हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए डी ई एंड के, ठीक है। वैसे ही हम इस वीडियो में विटामिन ई आज हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और इसे एंटीऑक्सीडेंट भी बोला जाता है, जिसका अब हम इसका काम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये आप समझ लीजिए दो तरीके के हैं, टोकोफेरोल्स एंड ट्रोकोट्रायनोल्स। तो अब आप देखिए, टोकोफेरोल्स है, इसके पास है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, और टोकोट्रायनोल्स के पास भी अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा है। तो आप एक यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, इसमें ये कह रहा है कि फैमिली ऑफ एट एंटीऑक्सीडेंट, इसके पास मतलब एट फैमिलीज हैं एंटीऑक्सीडेंट की। तो देखिए यहाँ पर चार ये फैमिलीज हो गई, चार ये फैमिलीज हो गई, ठीक है। इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, टोकोफेरोल्स, अल्फा टोकोफेरोल्स, बीटा टोकोफेरोल्स और ये गामा टोकोफेरोल्स, ऐसे ही इसको पढ़ेंगे ट्रायनोल्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो अल्फा टोकोफेरोल्स है वो इसकी मोस्ट एक्टिव फॉर्म है। जैसे विटामिन ई विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म थी, वैसे ही विटामिन ई की अल्फा टोकोफेरोल इसमें इसकी मोस्ट एक्टिव फॉर्म है। और जैसे कि मैंने बताया था, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। इसे एंटीऑक्सीडेंट भी बोलते हैं और ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये काम भी करता है। और देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पर ये देखा, जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा था, ये किस तरीके से काम करता है, इनके सबके स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, और इन सबके स्ट्रक्चर्स इसमें अलग हैं, तो ये स्ट्रक्चर की तरह अलग से काम करता है। ये वाला पॉइंट है आपको यही बता रहा है कि जो विटामिन ई की अलग अलग जो फॉर्म है वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स अलग हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इसके मेटाबॉलिज्म की। जैसे कि आपको पता है, विटामिन ई फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसके लिए बाइलजोस आपके लिए चाहिए होगा, ठीक है। आपने हर वीडियो में देखा होगा, जैसे विटामिन ए हमने पढ़ा, विटामिन ए में बाइलजोस चाहिए होता है, बाइल सॉल्ट, और विटामिन डी में भी चाहिए होगा। और ये जैसे कि ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ई, इसके लिए भी बाइल सॉल्ट ज़रूरी है। और जो ये डाइजेस्ट होता है, ये मिड गट में जाके डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज की। इसका जो स्टोरेज है, देखिए हमारे स्किन में एडिपोज टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यू में जाकर विटामिन ई स्टोर होता है, और ये लीवर में भी स्टोर होता है। हमें ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जो विटामिन ई है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो रहा है और लीवर में भी स्टोर हो रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके डाइट्री सोर्सेज की। डाइट्री सोर्सेज जैसे कि पॉली अनसैचुरेटेड प्लांट्स ऑयल, जैसे कि सैलड ड्रेसिंग, शॉर्टनिंग्स, और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, वीट जर्म्स में होता है, और ये होल ग्रेन्स में होता है, लीवर, एग योल्क, नट्स में सबसे ज़्यादा ये एलमंड्स में होता है, ठीक है। और सीड में सबसे ज़्यादा ये सनफ्लावर सीड्स में होता है। अब बारी आती है इसके फंक्शंस की। द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, इसको एंटीऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, तो इसका काम क्या है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। देखिए हमारी बॉडी में, जैसे कि बाहर हमारा एनवायरनमेंट है, इतना पॉल्यूशन है, और हमारे बॉडी में, खुद की बॉडी में इतने प्रोसेस हो रहे होते हैं, मतलब हमारी बॉडी सेल डैमेज करती है, वो सब कहाँ जाता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट की मदद से बाहर आता है, ठीक है। इसमें ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट उसको बाहर निकालने में मदद करता है। जैसे अगर हमारे कोई आसपास स्मोकिंग कर रहा है, अगर उसका धुआं हमने ले लिया, वो भी मतलब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करेगा, और इसकी इसको निकालने में कौन मदद करेगा, विटामिन ई, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट कहा जा रहा है, ठीक है। विटामिन ई का दूसरा काम है कि हमारी जो सेल है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, और इसको भी, सेल मेम्ब्रेन को भी ये डैमेज होने से बचाता है फ्री रेडिकल्स से, ठीक है। और इसका थर्ड काम है कि ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का, जहाँ कार्डियो नाम आएगा वहाँ समझ लेना हार्ट की बात हो रही है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से दूर रखेगा, दिल की बीमारियों से दूर रखेगा, ओके। और कैंसर से भी आपको दूर रखेगा। जैसे कि आपको पता है, फ्री रेडिकल से ही कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको विटामिन ई कैंसर से भी बचाता है।
और ये एक तरीके का एंटी एजिंग विटामिन भी है जो कि बूढ़ा होने से रोकता है। अब बात करते हैं इसकी आरडीए की। आरडीए होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब रोज़ आपको कितना मतलब आरडीए मतलब अपनी डाइट में विटामिन ई लेना चाहिए। तो यहाँ पर है 800 टू 1200 मिलीग्राम आपको टोकोफेरोल्स पर डे लेना चाहिए। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें। और अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए, VLCC का कोर्स या मैंने अपनी जितनी भी मतलब अपनी YouTube पे वीडियोस डाल रखी उन कोर्स के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे मेल कर सकते हैं।